बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड बायोफ्यूल के आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट कैटेगरी में प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी CBDA रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार को ये अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गडकरी ने कृषि उत्पाद से बायोफ्यूल उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और भविष्य में बायोफ्यूल का महत्व बताते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अन्नदाता को ऊर्जादाता बनना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी को पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए अपरंपरागत ऊर्जा के नवीन विकल्पों को प्रोत्साहित कर रही है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा राज्य में बायोफ्यूल के क्षेत्र में अधिशेष अनाज से एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना, बायोजेट एविएशन फ्यूल के निर्माण में सहयोग और जैव ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य जैसे उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं।